और हालात का जायजा लिया। फिलहाल मासूम के शव की तलाश SDRF की टीम पिछले कई घंटों से कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मासूम के शव को निकाल लिया जाएगा। बहरहाल हमारी सभी लोगों से अपील है कि बारिश के मौसम में बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें, उन्हें अकेले कहीं जाने न दें। और बड़ों से भी उम्मीद है कि वे ऐसे स्थान जहां पर जान को खतरा हो बारिश के दौरान कड़े हम ग्राम पंचायत भेरपुरा के सुंडी की नदी के पास में आज दोपहर 3 बजे करीब 7 वर्षीय बालक की नदी में बह जाने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल उसके शव का पता नहीं चल पाया है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं और स्थानीय निवासी है जो यहाँ के उस बच्चे के शव की तलाश करने में अभी तक जुटे हुए हैं, करीब शाम को 5:30 बजने को आई लेकिन अभी तक बच्चे का शव का पता नहीं चल पाया है। यहाँ पर SDOP थाना प्रभारी वह SDM साहब भी यहाँ मौके पर पहुँचे थे, मौका स्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि SDRF की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और बच्चे की तलाश करेगी। फिलहाल अभी बच्चे का शव नहीं मिल पाया है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बच्चे को तलाश करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं मिल पाया। अब जानेंगे यहाँ पर कि क्या स्थिति है। क्या नाम? मेरा नाम राजमल है और मैं यहाँ गाँव सुंडी का रहने वाला हूँ और मेरे अंकल के मतलब मेरे भतीजा लगता है, वो भतीजा का लड़का था, वो नदी में बाहर देखने के गए कि नदी आ गई जिसको देखने के गए थे। तो 4-5 बच्चे थे वो नदी में देखने गए और सब लोग तो वापस आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे कब से निकल गए देखने ये पता नहीं पड़ा। और बाद में क्या है कि वो बच्चा जैसे ही उसकी चप्पल वो पानी में पैर रखा होगा उसने देखने के लिए, तो ऐसे ही चप्पल निकल गई पैर में से, तो वो चप्पल को पकड़ने के ऊपर पुलिया के ऊपर से वो चप्पल नीचे गिरी और बच्चा भी उसके साथ साथ उसके अंदर गिर गया और वो बह गया। जब उन्होंने ज़ोर से चिल्लाए तब गांव में पता चला था। इधर से हम दौड़ के गए, इतने दो बच्चे उधर खड़े थे, उन्होंने प्रयास किया बहुत वो निकालने का, बहुत दूर दूर तक उसने तैरते हुए आया लेकिन आने के बाद में उनको क्या वो भी घबरा गए तो वो किनारे पे निकल गए। मैंने देखा उसको तैरते हुए, बच्चे को मैंने देख लिया था मेरी आँख से लेकिन मेरे से बहुत दूर था वो। मैंने उसको थोड़ा दूर से आड़फटा होकर आके मैंने कहा आगे जाके मैं छलांग लगाऊंगा ताकि वो मैं बच्चे को पकड़ लूँगा, इधर से पकड़ने में मेरे को हाथ नहीं आएगा। मैं दूर से स्कूल की बाउंड्री कूद के इधर होके आके देखा मैंने, इतने तो बच्चा डूब चुका था, बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया। वो दिखाई नहीं देने के कारण मैं और आगे गया, आगे जाकर मैंने कहा चलो इधर दिखेगा। ऐसे करते करते बहुत आदमी इकट्ठे हो गए थे, कम से कम पूरे गाँव के दोनों गाँव के आजू बाजू के आदमी इकट्ठे हो गए, पुलिया तक आदमी खड़े हो गए, सब इधर उधर देखते रहे लेकिन बच्चा कहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया बिल्कुल। वो डूबने के बाद में बच्चा का फिर पता नहीं चला। उसके बाद में हम तो आगे जाके निकल गए थे और आगे देखने के लिए, और इतने इधर पुलिस की टीम आई थी, पुलिस की टीम ने आके मौका का क्या देखा है क्या नहीं है, और पुलिस ने आके देखा कि उन्होंने बोला कि भाई गोताखोर की टीम मंगाएंगे उनसे ये करेंगे, लेकिन अभी तक पाँच छः का टाइम हो चला है, अभी तक कोई गोताखोर की टीम आई है ना कुछ भी नहीं, ना बच्चे का कोई शव मिला है कुछ भी नहीं। अभी तक हम भी प्रयास कर रहे हैं इधर उधर से, हमसे जो भी बन रहा है, जैसे पानी में छलांग भी लगा रहे हैं, पानी में कुछ ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन नदी का पानी का बहाव के का हमको कोई पता नहीं चल रहा है। पानी गंदा है, काला, ये उसका पानी का कलर अलग है इसके लिए वो दिख नहीं रहा है, क्या मालूम कहाँ गया वो, इसका पता नहीं चल रहा है। घटना ये है कि 4-5 बच्चे, रोहन और नैतिक और पंकज भी आया था उनके साथ में, 2-3 बच्चे और दूसरे भी थे। तो पंकज जैसे ही नदी के पास गया उसकी चप्पल बह गई तो वो चप्पल निकालने के चक्कर में वो भी अंदर गिर गया, तो वो इसी नदी में बह के चला गया। तो यहाँ फिर पता चला गांव वालों को, तो फिर उसके परिवार वालों सबको पता चला, तो भी ढूंढने के लिए आए और जो एक दो यहाँ पे थे वो भी अंदर कूद गए नदी में निकालने के लिए। तो उसका प्रयास भी किया निकालने का लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि नदी में कोई लड़का गिर गया है, तो मैं भी आया तो मेरे को पता चला वो पंकज अनिल का लड़का है, जो कि उसके पापा यहाँ पे रहते नहीं हैं, वो कम्बल का धंधा करने गए हैं कहीं 2 दिन से। उसके बाद मैंने थाने पे सूचना दी, उसके बाद प्रशासन टीम आई, TI साहब आए, SDM साहब आए और उन्होंने बोला है TI साहब ने कि अभी जो टीम आ रही है गोताखोर वो भी आ रहे हैं और जो पूरी टीम है उन्होंने यहाँ पे बुलाई है। कितने बजे की घटना है? ये करीब 3 बजे की घटना है। कुछ पता चला शव? शव का कोई पता नहीं चला अभी, सब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और आगे तक भी है, जो 2-3 किलोमीटर तक भी जहाँ तक भी नदी है वहाँ तक भी गए हैं। पिताजी यहाँ नहीं रहते? इनके पिताजी यहाँ नहीं है, अभी 2-3 दिन से वो बैतूल गए कंबल बेचने के लिए। कितने लड़के हैं इनके? इनके एक ही लड़का है और 4 लड़कियाँ हैं। ठीक, क्या नाम? मेरा नाम राजू है, राजू कछावा, सुंडी यहीं का रहने वाला हूँ।
घटनाक्रम यही है कि बच्चे 2-4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, तो ये नदी देखने गए थे, जो नदी पानी ज़्यादा चल रहा था उसमें इसके पाँव की एक चप्पल जो थी वो पानी में बह गई थी। उस चप्पल को पकड़ने के चक्कर में बच्चा गया, तो बच्चा पानी से एकदम नीचे गिर गया, पुलिया से नीचे गिर गया। तो पानी में थोड़ा बहुत तो तैरा वो, तैरने के बाद में फिर बाहर निकल नहीं पाया। दो एक बच्चा उसके साथ, दूसरा समझदार था, वो भी गिरा तो उसके हाथ में भी नहीं आया। और गांव में गांव के लोग भी सब बाद में सब पूरे गांव के सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन वो ज़्यादा 200-300 मीटर तक आगे गया और उसके बाद में बच्चा पता ही नहीं चला, पानी में डूब गया। मतलब ये करीब 3 बजे की घटना है, 3 बजे की घटना है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए, उन्होंने देखा क्या बच्चा मिला क्या? अभी नहीं मिला, पुलिस वाले भी सब आ गए थे यहाँ पे और गांव वाले भी करीब करीब 100-200 आदमी सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन बच्चा दिखा ही नहीं बाहर। और अभी तक बच्चे को देख रहे हैं नदी के किनार किनार पे, 1 किलोमीटर तक सब लोग घेरे हुए हैं, लेकिन बच्चा अभी तक बाहर नहीं दिखा है। पानी के अंदर डूबा या गहरे पानी में, जब से अभी तक बच्चा बाहर नहीं दिखा है। मेरा नाम हरी सिंह गरासिया है। हम पूरी कोशिश कर रही हैं, अभी तक हमको सफलता मिली नहीं है। पूरी कोशिश है हमारी, मगर अब शाम भी होने को आई, अंधेरा हो जाएगा तो हमारी टीम मतलब रेस्क्यू टीम को हमें रोकना पड़ेगा। भाव का तेज बता रहे थे, भाव तेज, एक शव अगर पानी में था तो कितने दूर तक चला जाता? भाव अगर तेज है तो आगे तक जा सकता है, और अगर कहीं गड्ढा वड्ढा आ गया है तो हो सकता है कि उसके अंदर भी वो चला जाए। क्या स्थिति तो यही है कि भाई सामने दिख रही है, अब ढूंढ रहे हैं, टीम ढूंढ रही है हमारी। क्या नाम? पुष्पा पवार, प्लाटून कमांडर।